वीडियो बनाई तो नारा लगाते हुए जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, सड़क बनवा के रहेंगे। देशभक्ति गाना हो अपना बिजली अपना पानी, अपना बिजली अपना पानी, छानी गोटा सड़क हम लेके रहेंगे, गोटा छानी सड़क हम लेके रहेंगे, हम सब ने ये ठाना है, राज बनाना है, हम सब ने ये ठाना है, सड़क हमारी मांग है, इसे हम बनवा के रहेंगे। सड़क हमारी मांग है, बुंदेलखंड नौ निर्माण सेना। हाँ, अरे यार मैं विनय तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड नौ निर्माण सेना। आज हम लोगों ने विगत दो हफ्ता पहले प्रशासन को अवगत कराया था कि आज हम लोगों को, क्योंकि 75 वर्ष बीत चुके हैं आज़ादी के, फिर भी आज हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं सड़क बिजली पानी की नहीं मिल पा रही हैं। आज हम देखते हैं कि छानी से लेकर के इंगोटा 15 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2 से 3 घंटे में तय करनी पड़ती है। यहाँ पर देखते हैं कि आए दिन लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को जान माल की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। हम देखना चाहते हैं कि कई बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन और शासन नहीं चेता है। आज हम लोगों ने 5 किलोमीटर की ग्राम बेदोखर से मवई तक की यात्रा निकाली है और शासन और प्रशासन को बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोग समझिए और हम लोगों की पीड़ा को समझिए। आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, सभी लोगों की एक ही मांग है कि किसी तरह से इस सड़क को बनवाया जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए। हम लोगों ने पहले भी प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारे यहाँ पहुँचने पर हम लोग ज्ञापन देंगे, लेकिन यहाँ पर सरकारी कोई भी नुमाइंदे यहाँ पर ज्ञापन लेने की उपस्थित नहीं है। जब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचता है, हम लोग अभी यहीं पर बैठेंगे। जब तक ज्ञापन नहीं दिया जाता तब लोग हम लोग यहीं पर बैठेंगे। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड।